दुष्यंत चौटाला की जेजेपी और चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी ने हरियाणा इलेक्शन साथ कंटेस्ट करने का फैसला किया है। दोनों पार्टीज के बीच सीट शेयरिंग अग्रीमेंट फाइनल हो गया है। हरियाणा की 90 सीट्स में चौटाला की जेजेपी 70 सीट्स पे इलेक्शन लड़ेगी तो आजाद समाज पार्टी 20 सीट्स पर। सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा भी है। 70 सीटों पर जननायक जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी और 20 सीटों पर आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद एक दलित लीडर हैं और लोकसभा इलेक्शन में यूपी की नगीना सीट से जीतकर एमपी बने थे। चौटाला को उम्मीद है कि आजाद के साथ आ जाने से वो कांग्रेस के दलित कंसोलिडेशन को चैलेंज कर पाएंगे। बट विल दैट हैपन? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, हरियाणा के टोटल पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट का शेयर है 20% और 17 असेंबली सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड है, जो कि इलेक्टोरली काफी सिग्निफिकेंट नंबर है। इसीलिए पास्ट में हरियाणा की पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो INLD हो, JJP या फिर कांग्रेस, सब मायावती को साथ लाने की कोशिश करते रहे हैं ताकि दलित उनकी तरफ आ सके। हालांकि कई बार इलेक्शन लड़ने के बावजूद BSP हरियाणा में अपनी बढ़त बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुई। किसी भी इलेक्शन में BSP एक सीट से ज्यादा नहीं जीत पाई। लोकसभा इलेक्शंस में नगीना सीट से जीतने के बाद आजाद से एक्सपेक्टेशन है कि वो यूपी के बाहर अपनी पार्टी को एक्सपैंड करे और हरियाणा इलेक्शंस उनके लिए भी एक बड़ा मौका है। अब 1 और 1 11 हो गए हैं, शक्ति मिलके जो है एक नया निर्माण करेगी। उधर BSP भी INLD के साथ मिलकर ये इलेक्शन लड़ने वाली है। 2019 में भी दोनों पार्टी साथ आई थी, बट इलेक्शन से पहले दोनों का अलायंस टूट गया। उसके कुछ दिन बाद BSP ने JJP के साथ भी हाथ मिलाया था, बट वो अलायंस भी ज्यादा दिन नहीं चला। 2019 असेंबली इलेक्शन में 17 रिजर्व सीट्स में से कांग्रेस 7 सीट जीती थी और BJP 5 और JJP 4, जबकि एक सीट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीता था। इस साल के लोकसभा इलेक्शंस में BJP और कांग्रेस दोनों को 5-5 सीट्स मिले हैं, बट दोनों रिजर्व्ड SC सीट्स कांग्रेस जीत गई। फोर्थ कमिंग इलेक्शंस में कांग्रेस BJP गवर्नमेंट को हराकर पावर में आने की कोशिश कर रही है और उसे कॉन्फिडेंस है कि दलित कांग्रेस को ही वोट देंगे। कांग्रेस से इस कॉन्फिडेंस की वजह यह भी है कि लोकसभा इलेक्शन में चौटाला की JJP को बस 0.87% वोट मिले और आजाद का हरियाणा में कोई खास बेस नहीं है। JJP ने लास्ट असेंबली इलेक्शन के बाद BJP से हाथ मिला लिया था और कांग्रेस को लगता है कि यह भी एक बड़ी वजह हो कि दलित चौटाला को ना चुने। इनफैक्ट कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पूछा गया कि अगर इलेक्शंस में किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं आई तो क्या चौटाला दोबारा BJP से हाथ मिलाएंगे, तो चौटाला ने कहा, हु कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर। क्यों नहीं कर पाएंगे, कोई हमारे पीछे आकर खड़ा हो और हम मिलकर प्रदेश की सरकार का नेतृत्व करें तो मुझे नहीं लगता इसके लिए इन संभावनाओं से हम पीछे हट सकते। 2019 में पहली बार इलेक्शन लड़ते हुए चौटाला की JJP 10 सीट जीती थी, पर BJP के खिलाफ कैंपेन करने के बाद भी जब एक फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया तो चौटाला ने BJP के साथ ही हाथ मिलाया और डिप्टी CM बन गए। बट इस साल मार्च में BJP और JJP के अलायंस टूट गई। इतना ही नहीं, JJP के 10 MLA पार्टी छोड़कर भी चले गए और लोकसभा इलेक्शन में भी चौटाला कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। ऐसे में आजाद के आने से चौटाला को कितना फायदा होता है ये कहना मुश्किल है।